नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। राजधर्म देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अयोध्या के राम मंदिर पर विपक्ष की लाइन क्लियर होने लगी है। 22 जनवरी को भव्य उद्घाटन समारोह में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, तस्वीर साफ होने लगी है। कम्युनिस्टों से लेकर समाजवादियों तक राम मंदिर पर किसका क्या राजधर्म है, सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको कांग्रेस के उन बड़े नेताओं का स्टैंड बताते हैं जिनको प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का न्योता भेजा गया है। सोनिया गांधी को निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन वो आएंगी या नहीं ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको इनविटेशन भेजा गया है। अधीर रंजन चौधरी नेता विपक्ष हैं लोकसभा में, उन्हें इनविटेशन भेजा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी न्योता भेजा गया है कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इस भव्य समारोह का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन अभी इन चारों में से किसी का स्टैंड क्लियर नहीं है, यानी कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नेता जाएगा या नहीं जाएगा ये स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। अभी तक इन नेताओं की तरफ से ना तो जाने को लेकर हामी भरी गई है और ना जाने को लेकर भी अभी तक हामी भरी गई है। सोनिया गांधी को बुलाया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया है, अधीर रंजन चौधरी को बुलाया गया है, मनमोहन सिंह को बुलाया गया है, इनको बाकायदा इन्विटेशन भेज दिया गया है और अभी तक इन चारों नेताओं ने अपने स्टैंड को नहीं किया है। यानी अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये चारों इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाने को लेकर समाजवादी पार्टी में साफ तौर से मतभेद दिख रहे हैं। पिछले कुछ घंटे के अंदर राम मंदिर पर समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेताओं के बयान सामने आए हैं। पहला बयान शफीकुर रहमान बर्क, जो कि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा और इसके पीछे उनका मतलब यह है कि मस्जिद तोड़कर मंदिर क्यों बनाया, यानी बाबरी मस्जिद की जो टीस है वो शफीकुर रहमान के बयानों में साफ तौर पर झलक रही है। लेकिन वहीं डिंपल यादव, जो कि मैनपुरी से सांसद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी है, वो ये कह रही है कि अगर न्योता मिलेगा, अगर इनविटेशन मिलेगा तो वो जरूर जाएंगी और इस बार 22 जनवरी का न्योता अगर उनको नहीं मिलता है तो वो बाद में जाएंगी, लेकिन रामलला के दर्शन तो डिंपल यादव करेंगी ही जरूर। ये दो नेताओं के अलग अलग स्टैंड सामने आए हैं। सबसे पहले आप सुनिए शफीकुर रहमान बर्क ने क्या कहा। जाऊंगा, मेरे जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ बनी, एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल ख़त्म कर दिया गया और ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिसमार कर दिया और ख़त्म कर दिया। और आज उसका फिर वो कोर्ट में भी उसका मुकदमा गया, लेकिन कोर्ट में भी हमारी उम्मीद के खिलाफ हुआ और यहाँ तक के अब उस पर यानी मंदिर बनने का आदेश हो गए, तो ये उस पर सोने पे सुहागा और ये किया कि मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, बहरहाल दुनिया की रिवायात के खिलाफ है। भाई दुनिया के अंदर सब लोग मुख्तलिफ मजहब धर्म के लोग कर और मुख्तलिफ यानी मजहबों के मानने वाले और इंसानियत के अलमबरदार बहुत से लोग दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन कभी ऐसा काम नहीं हुआ कि इस तरीके से मस्जिद को तोड़ कर और मस्जिद को ख़त्म करके उसके बाद में उसकी जगह वो मंदिर मस्जिद भी बाकी नहीं रखी जाए बल्कि उस जगह मंदिर बना दिया जाए। तो शफीकुर रहमान बर्क को आपने सुना, जो मंदिर को ही कह रहे हैं कि मंदिर बनना ही जायज नहीं है क्योंकि वहां पर बाबरी मस्जिद थी, यानी वो जाने से साफ मना कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के सांसद डिंपल यादव अयोध्या जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उन्हें अयोध्या में मंदिर बनने से कोई दिक्कत नहीं है। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से? और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। डिंपल यादव ने जो कहा वही समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। हिंदू वोट का सवाल है, इसलिए श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले ज्यादातर नेता और दल प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार नहीं कर रहे हैं।
कांग्रेस के नेता अयोध्या जाने के लिए तैयार हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी इस मामले में पॉजिटिव हैं। कांग्रेस का डेलीगेशन जरूर जाएगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी समारोह का न्योता मिलने पर आभार जताया। अखिलेश यादव ने भी कहा कि निमंत्रण मिलने पर अयोध्या जाएंगे। बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ खड़े उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया है कि रामलला कोई बीजेपी की प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन सीपीएम ने अपना स्टैंड अलग रखा है और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर दिया है। ऐसा क्यों किया है वो आप वृंदा करात की बात से सुनिए। नहीं, हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है। और इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है, हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं और पूरे देश में एक धार्मिक भावना होती है, उसका भी हम कदर करते हैं, लेकिन इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठान आप राजनीति के साथ जोड़कर धर्म को एक राजनीतिक हथियार और राजनीतिक मंशा को लेकर आप इस्तेमाल करेंगे, हमारी समझ में ये देश की संवैधानिक प्रावधान कि हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक धर्म का धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए, ये वो सही नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। और इसमें पूरी तौर पर एक पॉलिटिसाइजेशन एक धार्मिक अनुष्ठान का, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी तो अपने पुराने स्टैंड पर कायम है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खुलकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने का विरोध नहीं कर पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है उसकी वजह भी आपको समझाते हैं। मोदी के विरोधी राम नाम का जाप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी का हिंदू वोट बैंक लगातार मजबूत होता जा रहा है। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 36% हिंदू वोट मिले थे, 2019 में आंकड़ा बढ़कर 44% हो गया, यानी बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में 8% की बढ़ोतरी हुई। अब विपक्ष को ये चिंता सता रही है कि राम मंदिर के समर्थन में खुलकर स्टैंड ना लेने से 2024 में भी बीजेपी का हिंदू वोट बढ़ ना जाए। अगर 2029 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 59% अपर कास्ट हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया था, ओबीसी हिंदुओं का 54%, आदिवासी हिंदू का 46% और दलित हिंदुओं का 41% वोट बीजेपी हासिल करने में कामयाब रही थी। अब 2024 में बीजेपी आंकड़ा और बढ़ाने की कोशिश में लगी है। यही वजह है कि विपक्ष के सामने कश्मकश है कि इस निमंत्रण में जाना भी नहीं है और जाने से इनकार भी नहीं करना है। राम नाम के जाप से बीजेपी को वोटों को लगातार जो फायदा हो रहा है उससे विपक्ष टेंशन में है। हिंदी बेल्ट में बीजेपी का वोट शेयर 2004 से 2009 तक 30% था, 2014 में ये 40% तक चला गया और 2019 के चुनाव में 50% हो गया, यानी 2024 में ये एक बार फिर बढ़ ना जाए इसलिए विपक्ष राम मंदिर के समर्थन में आ गया है। हिंदू वोटों का मोह राम मंदिर के खिलाफ बोलने नहीं दे रहा, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक की वजह से कई नेता खुलकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से बचना चाह रहे हैं। ऐसे नेताओं पर विश्व हिंदू परिषद ने हमला बोला है। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि जिनका नाम सीताराम वो नहीं जाएंगे अयोध्या धाम। इतनी घृणा कोई कम्युनिस्ट ही कर सकता है, द्वेष राम से है या खुद से। विश्व हिंदू परिषद ने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला और कहा कि नाम समाजवादी है और काम नमाजवादी। पार्टी का धरातल रसातल में पहुंच गया, लेकिन मानसिकता ऐसी है जैसे बाबर की संतानें हो। देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके के डीएनए में हिंदू द्रोह राम द्रोह समाया हुआ है। एक तरफ वो लोग हैं जो बाबर चला गया, बाबरी चली गई लेकिन बाबरी मानसिकता नहीं गई। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि जो जिनका पार्टी का नाम तो है समाजवादी और काम करते हैं नमाजवादियों को खुश करने के लिए समाजकंटक काम, और वो लगातार हिंदुओं को हिंदुत्व को हिंदू मानवियों को गाली देने के और उनको धर्म ग्रंथों को अपमानित करने का कलंकित और दूषित प्रयास करते हैं। वहीं तीसरी तरफ वो लोग भी हैं जिनका नाम तो है सीताराम और दूरी बनाते हैं राम जी से, राम मंदिर से। आखिरकार इनका नाम इनके पिताजी माताजी ने रखा होगा, क्या सोच के रखा होगा। पार्टी की प्रतिबद्धता कुछ और हो सकती है, लेकिन समझ में नहीं आता इनका द्रोह राम से है या इनके नाम से है।
सवाल हिंदू वोट का है तो जेडीयू भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार नहीं कर रही। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि राम सबके हैं, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सभी दलों को बुलाना चाहिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सबको जाना चाहिए। सवाल सर राम मंदिर को लेकर है, लगातार विपक्ष के नेताओं को भी न्योता भेजा जा रहा है, वाम दलों के नेताओं को भी न्योता भेजा गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक राजनीति की जा रही है बीजेपी के जरिए, राम के नाम पर राजनीति करती है बीजेपी, ये आरोप लगा रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद संभव हो पाया था। राम हिंदुओं के और भारत के नहीं, पूरी विश्व की मानवता के नेता हैं, वो मार्गदर्शक हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ अति उत्साहित नेता उसको पार्टी का कार्यक्रम बनाने के लिए लगे हुए हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है, इसमें सभी दलों के सभी नेताओं को बुलाया जाना चाहिए और सबको शिरकत भी करनी चाहिए। जेडीयू भी अगर बुलाया जाता है, जेडीयू के अध्यक्ष भी जाएंगे? हमारी पार्टी उसमें हिस्सा लेगी। एक आखिरी सवाल है, समाजवादी पार्टी के सांसद है शफीकुर रहमान बर्क संभल से, वे कह रहे हैं कि जिस दिन 22 जनवरी के दिन जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका कार्यक्रम होगा, वो बाबरी मस्जिद के लिए दुआ करेंगे। उन्हें बाबरी मस्जिद के लिए दुआ करने की इजाज़त भी है, उनकी इच्छा भी पूरी होनी चाहिए, लेकिन हम राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भी हिस्सा बनेंगे और शफीकुर रहमान वर्क दुआ करेंगे, उनके लिए भी दुआ करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के टारगेट पर समाजवादी पार्टी इसलिए है क्योंकि इस पार्टी के नेता सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी बयान देते हैं। राम मंदिर पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सवाल उठा दिया तो समाजवादी पार्टी के एक दूसरे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर ही सवाल खड़े कर दिए। हिंदू एक धोखा है, और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि लोगों के जीवन जीने की कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा हिंदू धर्म धर्म नहीं है, और अभी एक दो महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती है। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान समाजवादी पार्टी के चुनाव को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अखिलेश यादव की पार्टी ने इस बयान से किनारा कर लिया। डिंपल यादव ने कहा कि उनका निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं है, और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। अब समाजवादी पार्टी भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से किनारा कर ले, बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया है और कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि खराब हो चुकी है। मैंने कहा ना, जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। जैसे अभी हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, किसी का नाम में मंदिर है यहाँ लेना नहीं चाहता, उनकी बुद्धि को लगता है कि ऐसे समय हर लिया है भगवान ने, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और ऐसी चीजें बोल करके कोई सनातन को ना कमजोर कर सकता है ना मिटा सकता है, ना हिंदुत्व को कमजोर कर सकता है ना हिंदुत्व को मिटा सकता है, ना भव्य राम मंदिर निर्माण को रोक सकता है, ना जो अच्छे पवित्र काम चल रहे हैं देश प्रदेश में ना उसे रोक सकता है। जो कहावत है ना, माया मिली ना राम, तो वही हाल है इस समय। जो हमारे विरोधी हैं, जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विरोधी हैं, जो राम भक्तों के विरोधी हैं, जो मंदिर निर्माण सहन नहीं कर पा रहे हैं,
ये हनुमान जी महाराज की गदा उसी के लिए है। ये जो बेहुदा बयान बहादुरी हो रही है, बयानबाजी हो रही है, उसको देखने और सुनने के बाद एक चीज का विश्वास हो जाता है फिर से कि अगर नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने आशीर्वाद न दिया होता, जनादेश न दिया होता, तो अभी भी 600 साल और भगवान राम जो है वो टेंट में कैद रहते। ये तो नरेंद्र मोदी जी का निर्णायक और मजबूत नेतृत्व का नतीजा है कि आज जो है वो सर्वसम्मति और सर्वसहमति के साथ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जो लोग अभी तक विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल कमनर क्रूर करतूत को का कवच बने हुए थे, उनमें बौखलाहट दिखाई पड़ रही है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला। सत्येंद्र दास ने कहा कि स्वामी प्रसाद की भाषा समाजवादी पार्टी का नाश कर देगी। सर्वे भवन सुखिना की जो प्रार्थना करता है और सद्भावना की भावना जो रखता है और जो वसुंधैव कुटुंबम की बात करता है, यह जितने गुण हैं वो हिंदू हैं और हिंदू धर्म है। और यह कभी नहीं न प्रधानमंत्री जी ने कहा, न आरएसएस ने जी के प्रमुख ने कहा और न ही हमारे योगी आदित्यनाथ ने ये कहा। यह केवल मनमुखी है और ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात है। और अभी जब यह अखिलेश जी ने ब्राह्मणों का सम्मेलन किया तब उनको हिदायत दिया है इनको, क्या बोलते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को, कि किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी का भी अपमानजनक बात न कहें। और फिर भी ये नहीं मानता है और नहीं मानने के बाद जब उनकी भी बात नहीं मानता है, इसका मतलब है कि वह विरोधी है समाजवादी का और समाजवादी में घुस करके, और यह उनको नाश करने वाला, उनको पराजित करने वाला ये भाषा बोलता है, जिससे कि हिंदू नाराज हों, ब्राह्मण नाराज हों और सभी लोग नाराज हो जाएं, इसलिए सबको नाराज करने के लिए बोलता है। हिंदू धर्म और धर्म ग्रंथों पर विवादित बयानों के बीच राम मंदिर पर क्रेडिट की लड़ाई लगातार जारी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने राम मंदिर निर्माण में उद्धव ठाकरे के योगदान पर सवाल उठाए। जवाब में आज उनकी पार्टी के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर पलटवार कर दिया। राउत ने कहा, बाबरी विध्वंस के वक्त वहां से भागने वाले भगोड़े हमसे सवाल ना करें तो बेहतर होगा। ये अयोध्या का आंदोलन चल रहा था और निर्णायक घड़ी आ गई, बाबरी हमारे सामने टूट गई, तो जो लोग अपने आप को योद्धा मानते हैं वहां से कैसे भाग गए और ये हमने काम नहीं किया, ये हमारा काम नहीं है, ऐसे डर के मारे छाती पीट रहे थे। उस वक्त बाला साहेब ठाकरे शिवसेना प्रमुख सामने आए और कहा, यस, अगर ये हमारे शिवसैनिकों ने किया ये भाजपा का कहना है तो मुझे गर्व है ऐसे शिव सैनिकों के ऊपर जिसने ये काम किया है राम मंदिर के लिए। और ये भागने वाले लोग आज हमें योगदान के बारे में पूछ रहे हैं, आपका योगदान क्या, बताइए आपका योगदान क्या है। आप तो वहां मैदान छोड़कर भाग गए थे, आप भगोड़े हैं इस हिंदुत्व के मैदान से, मैदान के आप भगोड़े हैं। आप हमसे सवाल मत पूछिए।